हेलो फ्रेंड्स, जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा अपना नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। उम्मीद है आपने मेरे पिछले सारे वीडियो देखे होंगे और उन्हें पसंद किया होगा। और यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, प्रीवियस वीडियो देखिए। यदि आपको पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर कीजिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए। उसी से आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप समय पर उसका लाभ ले सकेंगे। यदि आप हमारे चैनल से संबंधित कोई लिंक और PDF चाहते हैं तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके टॉपिक को लेकर वीडियो बनाएं तो हमें हमारे फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए। वहाँ पर हमें मैसेज द्वारा अपने टॉपिक की डिटेल बताइए। लेसन प्लान चाहते हैं तो लेसन की पिक सेंड कीजिए, हम जल्द से जल्द उसका लेसन प्लान बनाकर अपलोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे चर्चा करना, जो कि सूक्ष्म शिक्षण की जो सीरीज़ चल रही है, यानी माइक्रो टीचिंग की जो सीरीज़ चल रही है उसका अगला वीडियो है। अभी तक हम इसके बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, कुछ सूक्ष्म शिक्षण कौशलों के, कुछ उनके सूक्ष्म शिक्षण प्लान के वीडियो बना चुके हैं हमने। ब्लैकबोर्ड कौशल, सॉरी प्रस्तावना कौशल और पुनर्वलन कौशल, इनके वीडियो बनाए हैं हम। अभी हमारे पास बीच में डिमांड आई है कि हमको शैक्षिक उद्देश्य लेखन कौशल का वीडियो चाहिए, तो हम उस सीरीज़ को थोड़ा सा ब्रेक करते हुए ये वीडियो पहले लेकर आए हैं, वरना हम ये सबसे आखिरी में आपको बताते। हम बीच में कुछ कौशल आपको बताते, उद्दीपन कौशल, ब्लैकबोर्ड कौशल, व्याख्या कौशल, इस तरीके के कौशल हम पहले बताते, प्रश्न कौशल ये हम थोड़ा आपको बाद में बताते। लेकिन उनकी डिमांड है, उनको फाइल जल्दी तैयार करनी है, इसलिए हम उनकी डिमांड के अनुसार ये वीडियो पहले लेकर आए हैं। बाकी इसके क्रम में कोई क्रम से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इसको जब फाइल बनाएं तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं या एक लाइन से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे एक अनुरोध है, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत छोटी छोटी बातें इनमें समझने को होती है। हम हर वीडियो में हर एक बात नहीं बता पाते हैं, हर वीडियो में आपको नई बात सुनने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और आखिरी में यदि अच्छा लगता है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। जैसा कि हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं शैक्षिक उद्देश्य लेखन कौशल का, जिसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा मैं आपको इसको पढ़ के बताऊँगी और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगी। थोड़ा सा ये चीज़ें सरल भी होती हैं और थोड़ी थोड़ी कठिन भी होती हैं, आपको थोड़ा सा इसको धीरे से समझने की कोशिश करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको एकदम से समझ में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा करते करते जब हम थ्योरी के अंत तक पहुंचेंगे तब आप इस कौशल को अच्छे से समझ जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है, किसी भी अर्थपूर्ण कार्य का सदैव कुछ उद्देश्य होता है। हम कोई भी कार्य किसी उद्देश्य से करते हैं, हम वीडियो उद्देश्य से बना रहे हैं, आप वीडियो उद्देश्य से देख रहे हैं, आप ये कोर्स BA DLED भी किसी उद्देश्य से कर रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कोई भी कार्य को करने के लिए सदैव कुछ उद्देश्य होता है जो बालक को दी जाने वाली शिक्षा को पूर्ण करता है। यहाँ बालक की शिक्षा की बात कर रहे हैं तो उसके विषय में लिखा है, और उसके प्रयोजन आरंभ से ही समान रखे जाते हैं। इन प्रयोजनों को शैक्षिक उद्देश्यों की संज्ञा दी जाती है, यानी कि हम कोई भी उद्देश्य से बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, सिखाना शुरू करते हैं, हमारा अंत में उनको कुछ भी टॉपिक या कोई भी चीज़ सिखाने का कोई उद्देश्य होता है, तो इसका हम आरंभ इसका जो प्रयोग है वो जो भी हम पहले से उसकी योजना पहले से ही बनाने लगते हैं, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इस प्रयोजन को शैक्षिक उद्देश्य की संज्ञा दी जाती है। यानी कि हम जिस भी उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं, जो भी हम प्रयोजन उसमें कर रहे हैं, वही हमारा शैक्षिक उद्देश्य है। शिक्षा छात्रों के व्यवहार को इच्छित दिशा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। इसी कारण इच्छित दिशा की ओर छात्रों के व्यवहार को परिवर्तित करने हेतु स्पष्ट संकेत निर्धारित करना वांछनीय है। यानी कि हम जो भी उनको सिखा रहे हैं, जिस भी दिशा में सिखा रहे हैं, उसमें हमको उनको दिशा निर्देशित करना वांछनीय है, ज़रूरी है। यही संकेत अध्यापन उद्देश्यों का स्वरूप धारण करके पाठ को उचित दिशा में गति प्रदान करता है एवं वांछित परिवर्तन हेतु सही दिशा प्रदान की जाती है। इनमें तीन मुख्य बातों का ध्यान रखा जाता है, यानी कि जो भी हम शिक्षा देने में, जो भी हम दिशा प्रदान कर रहे हैं, उसमें हमको क्या क्या चीज़ों की को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या क्या मुख्य बिंदु है उसके अंतर्गत। तो उसके अंतर्गत तीन प्रमुख बिंदु हैं, वांछित परिवर्तन, दिशा निरूपण, यानी वांछित परिवर्तन यानी कि हमको किस रूप में कैसा परिवर्तन करना है, वो परिवर्तन सही है या नहीं,
दिशा निरूपण यानी हमें दिशा भी डिसाइड करनी होती है और क्रिया यानी हम किस तरीके से कर रहे हैं। फिर शैक्षिक उद्देश्यों के परिवर्तन हेतु B.S. ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को परिभाषित करते हुए कहा है कि शिक्षण उद्देश्यों से तात्पर्य इन रीतियों के निर्माण से है जिनमें शिक्षण प्रक्रिया विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाती है। बहुत सिंपल, इजी और स्पष्ट परिभाषा है, ज़्यादा इसमें कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है और आपको याद भी बहुत जल्दी होगी। B.S. ब्लूम ने कहा है कि शिक्षा के व्यवहारगत उद्देश्यों का वर्गीकरण उनके शिक्षाविदों के सहयोग से इस प्रकार विभाजित किया गया, यानी एक डायग्राम द्वारा एक्सप्लेन किया है उन्होंने कि ज्ञानात्मक उद्देश्य पक्ष, भावात्मक उद्देश्य पक्ष और क्रियात्मक उद्देश्य पक्ष। यानी ज्ञानात्मक हमारा कुछ भी सिखाने का अर्थ ज्ञानात्मक होता है, भावात्मक होता है और क्रियाशील होता है। तो ये तीन भागों में उन्होंने डिवाइड किया है। हम तीनों भागों को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और आप अंत तक इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। वैसे आप शब्द से ही समझ गए होंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है ये। इस पहला हमारा है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इस श्रेणी के अंतर्गत वे व्यवहारगत उद्देश्य आते हैं जिनका संबंध मनुष्य के ज्ञान को पुनः निर्माण, पुनः पहचान, बौद्धिक क्षमताओं तथा कौशलों के विकास से होता है। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। यानी जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है उसके अंतर्गत क्या है कि व्यवहारों में जो व्यवहारगत जो उद्देश्य आते हैं, जैसे कि मनुष्य के ज्ञान का पुनः निर्माण करना, यानी कि वो कुछ ज्ञान उनके पास पहले से है, हम उनका पुनः निर्माण करा रहे हैं, बौद्धिक क्षमताओं और कौशलों का विकास, ये सब ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत होता है। सबसे पहले इसमें ज्ञान के अंतर्गत परिभाषा, प्रत्यास्मरण, पहचान, सारणीकरण, मापन और विभेदीकरण। यानी हम उन्हें ज्ञान कराते हैं, परिभाषा बताते हैं, प्रत्यास्मरण, पहचान कराते हैं कि अरे इस तरीके से आप, हम उन्हें बड़ा छोटा पहचानना सिखाते हैं या बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, हम किसी चिन्ह से उनको परिचित कराते हैं। सारणीकरण, हम जैसे कि लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग सारणीकरण करके भी हम बच्चों को समझाते हैं। तो ये सब क्या हो गया, ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। मापन, हम उन्हें मापना बता रहे हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, स्केल के द्वारा दिखा रहे हैं, हाथ से जो बीता बोलते हैं उससे नापना सिखा रहे हैं। विभेदीकरण, हम उन्हें वेद करना बता रहे हैं कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, ये सब हो गया हमारा ज्ञानात्मक। फिर बोध कराने में व्याख्या करके संकेतक, चयन, निर्णय, वर्गीकरण और सूत्र देना, ये क्या होता है, बोध कराना होता है। फिर उसके बाद प्रयोगात्मक, घोषणा, अनुमान, गणना, प्रदर्शन, प्रयोग, जांचना, ये सब हो गया प्रयोगात्मक। फिर है विश्लेषण, जिसमें विभाजन, तुलना, विभेदीकरण, आलोचना, सारणीकरण, विरोध जताना, ये सब हो गया विश्लेषण। फिर संश्लेषण में तर्क, वाद विवाद, समानीकरण, सार प्रस्तुतिकरण, ये हो गया संश्लेषण। ये आपको शब्द से ही समझ में आ रहे हैं इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। फिर आता है मूल्यांकन, जिसके अंतर्गत निर्णय लेना, निर्धारण, मूल्यांकन, प्रतिवादन, खोजना, ये सब आ गया। ज्ञानात्मक पक्ष का कक्षा शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप पॉइंट से ही समझ गए होंगे कि हम इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम ज्ञानात्मक पक्ष का ही करते हैं। फिर आता है हमारा भावात्मक पक्ष, जिसमें ग्राहकता, जिसके अंतर्गत चयन, स्वीकृति, उचित और समझना, यानी चयन करना, स्वीकृति देना और समझाना, ये सब आ गया ग्राहकता के अंतर्गत। फिर है अनुक्रिया, जिसमें उत्तर, सूची, संग्रहण और सीधा, यानी उत्तर जो भी प्रश्न उत्तर होता है, सूची बनाना, संग्रहण करना या सीधा सीधा बता देना, लाइन से जमाना, ये सब हो गया अनुक्रिया। फिर प्रत्ययीकरण, विश्लेषण, एकीकृत, तुलना और विभिन्न, ये सब आता है प्रत्ययीकरण के अंतर्गत। अनुमूलन में स्वीकार करना, सहभागिता, पहचानना, धारा प्रभाविता, ये सब हो गया अनुमूलन। फिर मानवीयकरण, यानी सहयोग, सिद्ध करना और समायोजन, ये जो भी भावात्मक पक्ष हैं, ये जब हम ज्ञानात्मक पक्ष से बच्चों को बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो भावात्मक पक्ष अपने आप उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं। फिर है क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ये पक्ष छात्रों को क्रिया, गतिविधि, कार्य करने संबंधित होता है। इसके निम्नलिखित प्रकार है, सूक्ष्मता या स्पष्टता, जिसमें सूची, उचित, बनाना, ये सब आ गया सूक्ष्मता या स्पष्टता। फिर वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत बुद्धि को रखा जाता है। फिर मार्गदर्शन, व्यवस्था और अनुबंध। फिर सहजीकरण, क्रिया और सहभागिता, यानी क्रिया करवाना और सहभागिता की भावना भी सिखाना उनको, आपको भी उनको करना। इस प्रकार हमने तीनों पक्ष देखे। उसके बाद शैक्षिक उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, विषय अथवा इकाई के विशाल दृष्टिकोण
को ध्यान में निर्मित उद्देश्य कहलाते हैं। पाठ के विशिष्ट प्रयोजन को हम ध्यान में रखकर बनाए गए उद्देश्यों को विशिष्ट उद्देश्य कहा जाता है। घटक, यहाँ पे दो प्रकार के घटक हैं, वांछित व्यवहार और अवांछित व्यवहार, जिसमें कि पूर्वज्ञान का प्रयोग होता है और इसमें सात्य की कमी होती है अवांछित व्यवहार में। वांछित व्यवहार में उचित युक्तियों व साधनों का प्रयोग और अवांछित व्यवहार में अप्रासंगिक कथनों अथवा प्रश्न का पूछना। ये आप जो घटक हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम अगले वीडियो में इसका जब सूक्ष्म पाठ योजना लेकर आएंगे तब आपको ये घटक आने चाहिए, तो आपको और अच्छे से बनेगा। हम जो भी घटक का इस्तेमाल करेंगे हम उसमें साइड में लिखते हैं। यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपको समझ में आएगा, और यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको सूक्ष्म शिक्षण की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसे खोलिए और वहाँ से आप पिछले सारे सूक्ष्म शिक्षण के वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।